मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ विधानसभा में बजट 2021 और 22 को पेश किया। इस दौरान उन्होंने सरकार की कई महत्वपूर्ण नई योजनाओं को लागू करने का ऐलान भी किया। इसके साथ ही उन्होंने प्रदेशवासियों को और अधिक सुदृढ़ बनाने की परिकल्पना को साकार करने का वचन भी दिया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने कार्यकाल के तीसरे बजट को छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र के दौरान पेश किया, जिसमें 2021-22 के लिए राज्य सरकार के द्वारा अनुमानित बजट 97,145 करोड़ का रखा है, जिसमें कुल व्यय 97,106, राजस्व व्यय 83,028, वही पूंजीगत व्यय को 13,839 रखा गया है। साथ ही वित्तीय घाटा 17,461 करोड़ बताया गया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सदन में बजट प्रस्तुतीकरण के दौरान कहा है कि इस बार का बजट गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ के मूल मंत्र में समाहित भावनाओं को आगे बढ़ाते हुए प्रदेश को ऊंचाइयों पर ले जाने वाला बजट है। उन्होंने कहा है कि बजट में अंग्रेजी के हाईगेट शब्द के हर अक्षर से विकास की अवधारणा के विभिन्न आयामों को परिभाषित किया है। मुख्यमंत्री ने हाईगेट की परिभाषा में कहा है कि एच का संबंध समग्र विकास, ई का संबंध शिक्षा सबके लिए अवसर यानी अधोसंरचना विकास के पोषक, जी यानी प्रशासन संवेदनशील एवं प्रभावी, एच यानी स्वास्थ्य, टी यानी बदलाव शासन जनता के लिए। इसी के आधार पर बजट तैयार करने की बात उन्होंने कही है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि यह बजट राज्य के किसानों व आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की समृद्धि, गांव की आर्थिक प्रगति, शिक्षा में गुणवत्ता और प्रगति के नए आयाम के साथ ही स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सुविधाओं का विस्तार, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़े वर्गों के कल्याण, महिलाओं एवं बच्चों के सर्वांगीण विकास, युवाओं को रोजगार एवं उद्यमिता के नवीन अवसरों के सृजन, ग्रामीण व शहरी अधोसंरचना को तेजी से विकसित करने और जनता के लिए संवेदनशील प्रशासन की भावना के साथ प्रदेश के लोगों को समर्पित है। बजट 2021-22 के बजट में छत्तीसगढ़ की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए सरकार ने पुरजोर पहल की है, जिसके अंतर्गत वर्ष 2021 और 2022 के केंद्रीय बजट में राज्य के लिए केंद्रीय करों में हिस्से की राशि चालू वर्ष की तुलना में 4,128 करोड़ की कमी हुई है। इसके साथ ही बजट में किसानों को न्याय, पशुपालकों को न्याय, मछुआरों को न्याय, श्रमिकों को सहायता, परंपरागत कर्मकारों को न्याय व आश्रितों को सहायता, पत्रकारों को सहायता, महिलाओं और बच्चों को पोषण और सुरक्षा, बुजुर्ग एवं दिव्यांग जनों को सहायता, शहरों का आधुनिकीकरण, छत्तीसगढ़ी कला संस्कृति एवं पर्यटन के विकास को साकार करते हुए गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ की परिकल्पना को एक मूर्त रूप देना है। यह बजट मुख्य रूप से गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ के मूल मंत्र में समाहित भावनाओं को आगे बढ़ाते हुए हर क्षेत्र में नई ऊंचाई पर ले जाने वाला है। बजट में अंग्रेजी शब्द HEIGST शब्द के हर क्षेत्र के विकास के अवधारणा के विभिन्न आयामों को परिभाषित किया गया है। एच होलिस्टिक डेवलपमेंट समग्र विकास, ई एजुकेशन सबके लिए समान अवसर शिक्षा में, आई इंफ्रास्ट्रक्चर अधोसंरचना विकास के पोषक, जी गवर्नेंस प्रशासन संवेदनशील एवं प्रभावी, एच हेल्थ स्वास्थ्य स्वस्थ तंत्र सबसे बड़ा धन, ट्रांसफॉर्मेशन बदलाव शासन जनता के लिए आधार पर बजट को तैयार किया गया। पुलिस बल का गठन, छत्तीसगढ़ के छत्तीसगढ़ी कला शिल्प वनोपज कृषि एवं सभी प्रकार के उत्पादों तथा व्यंजनों को एक छत के नीचे उपलब्ध कराया जाएगा। सी मार्ट कोशिश होगी कि हम जो हमारे बड़े नगर निगम हैं उन क्षेत्रों में पहले शुरुआत करें। मत्स्य पालन को कृषि के समान दर्जा दिया जाएगा। जैसे शहरों में पौनी पसारी
के समान ग्रामीण क्षेत्र में रूरल इंडस्ट्रियल पार्क की स्थापना, परंपरागत ग्रामीण व्यावसायिक कौशल को पुनर्जीवित करने के लिए 4 नए विकास बोर्ड का गठन, जिसमें तेलघानी, चर्मशिल्प, लौह शिल्पकार एवं रजककार विकास बोर्ड का गठन किया जाएगा। एक महत्वपूर्ण बजट में जो घोषणा की गई, उसमें ग्रामीण कृषि भूमिहीन श्रमिकों के लिए नवीन न्याय योजना प्रारंभ की जाएगी। तेंदुपत्ता संग्राहकों के लिए शहीद महेंद्र कर्मा तेंदुपत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा पेंशन, पत्रकारों को दुर्घटनाजन्य आकस्मिक मृत्यु पर परिवार को 5 लाख की सहायता, अभी तक के एक ही संतान होने पर पहली संतान को 1,00,000 दी जाती थी, अब द्वितीय संतान यदि बालिका हुई तो उसे कौशल्या मातृत्व योजना अंतर्गत महिलाओं को 5,000 रुपया एकमुश्त दिया जाएगा। किसानों के खेत में आवागमन सुविधा हेतु मुख्यमंत्री धरसा विकास योजना और भारत भवन जो मध्य प्रदेश में है, उसी के तर्ज पे नवा रायपुर में भी भारत भवन का निर्माण किया जाएगा। रामवनगमन पर्यटन परिपथ के लिए 30 करोड़ का प्रावधान किया गया है। भवन स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल अभी तक के खुल चुके हैं, उसे बढ़ाकर 119 और हमारे अंग्रेजी माध्यम के स्कूल खोले जाएंगे। नवा रायपुर में राष्ट्रीय स्तर के बोर्डिंग स्कूल की स्थापना की जाएगी। 7 नवीन महाविद्यालय तथा 3 कन्या महाविद्यालय की स्थापना, 14 महाविद्यालय में स्नातक तथा 15 महाविद्यालय में पीजी पाठ्यक्रम प्रारंभ करना, 9 बालक एवं 9 नवीन कन्या छात्रावास की स्थापना, 6 नवीन महाविद्यालय भवन के निर्माण, 2 नए आईटीआई की स्थापना, 12 नए रेलवे ओवरब्रिज, 151 नवीन पुल, 585 सड़कों के निर्माण के लिए 504 करोड़ के नवीन मत के प्रावधान, नक्सल प्रभावित क्षेत्र में 104 सड़क एवं 116 पुल निर्माण के लिए 12 करोड़ के प्रावधान, नवीन सिंचाई योजना हेतु 300 करोड़ का प्रावधान, नगरीय क्षेत्र के जल प्रदाय योजना हेतु 45 करोड़ का प्रावधान, पंडरी रायपुर में 350 करोड़ के लागत से जेम ज्वेलरी पार्क की स्थापना, और एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना, नदी के किनारे विद्युत लाइन का विस्तार किया जाएगा जिससे किसानों को सिंचाई की सुविधा मिलेगी। वहीं मुख्यमंत्री ने पत्रकारों से चर्चा के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के बयान पर पलटवार करते हुए डॉक्टर रमन को अर्थशास्त्री का तमगा दिया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि राज्य सरकार के द्वारा उचित प्रबंधन करते हुए प्रदेशवासियों के लिए सभी प्रकार के हितों का ध्यान रखा गया है। यदि रमन सिंह को लगता है कि कुरुबंधन प्रदेश में हो रहा है तो इस चुनौती को स्वीकार करते हैं और इसका माकूल जवाब देने के लिए भी तैयार है। 8.8% नीचे गया है हमारे प्लस में, तो चाहे कृषि के क्षेत्र में देखें भारत सरकार से 1% अधिक है, औद्योगिक क्षेत्र में देखें तो उसे 4.4% के हम उससे अधिक है, और सेवा के क्षेत्र में देखें -8.8 से +0.75% हम हैं, तो लगभग 9% से अधिक, 9.5% हमारे अधिक है। और महान अर्थशास्त्री रमन सिंह जी जो कहते हैं कि लगातार वो कह रहे हैं कि कुप्रबंधन हो गया है, छत्तीसगढ़ का अर्थव्यवस्था बिगड़ गया है, जिसके बारे में आप नाम तो नहीं लिए लेकिन विपक्ष आरोप लगा रहा है भारत सरकार, तो भारत सरकार की स्थिति क्या है ये 3 आंकड़े मैंने बताए और हमारे छत्तीसगढ़ के 3 आंकड़े मैंने बताए, और वो तो महान अर्थशास्त्री हैं, उसके बारे में पहले कह चुका हूँ, उसको ना सीतारामन जी को जो सलाहकार रखे ना मार्गदर्शन मंडल, इसको भी निर्मला सीतारामन को मार्गदर्शन मंडल में रख लेना चाहिए। अभी मैंने जो आंकड़े बताए और छत्तीसगढ़ के आंकड़े बताए उसमें चुनौती देता हूँ, इसमें कोई गलत हो
तो उसको ज़्यादा ज़रूरत दिल्ली को है, जो हर साल लाखों करोड़ रुपए का कर्जा ले रहे हैं वहाँ ज़्यादा ज़रूरत है। जहाँ 13 लाख करोड़ रुपए एक साल में कर्जा ले रहे हैं वहाँ ज़्यादा उनके सलाह की ज़रूरत है, मार्गदर्शन मंडल में उसको रखना चाहिए। लिहाजा छत्तीसगढ़ के वित्तीय बजट 2021-22 को सदन के पटल पर रख दिया गया है। अब आगामी दिनों में सदन में बजट पर चर्चा होगी, जिसमें पक्ष विपक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप के साथ घमासान तय है।